छतरपुर में हत्याकांड के खुलासे को लेकर डीआईजी को ज्ञापन सौंपा गया। आईजी अनिल शर्मा, डीआईजी विवेक राज सिंह, एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कई संगीन और पुराने मामलों के अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन अभी भी छतरपुर शहर के दो ऐसे बहुचर्चित हत्याकांड हैं जिनका खुलासा पुलिस आज तक नहीं कर सकी। यह दोनों हत्याकांड पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। बहुचर्चित धन्नू सिंधी हत्याकांड और सुनील सोनी हत्याकांड के खुलासे को लेकर डीआईजी को आज परिजनों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान परिजनों ने यह भी कहा है कि इस हत्याकांड की फाइल बंद कर दी गई है, जिसे अब खुलवा कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। अंजलि वासवानी जी, अंजलि जी बताएं किस तरह की घटना हुई थी आपके पति के साथ? मर्डर हो गया था, गोली मार के। कैसे मर्डर हुआ था? गोली मार दी गई थी। तो फिर क्या हुआ था उस मामले में? कुछ जानकारी नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, बस केस खुल रहा है फिर बंद हो जा रहा है। तो अब क्या आपने डीआईजी साहब से मांग की है? क्या बन जाएगा भाई, केस खुले, न्याय मिले हमें भी। करीब कितने साल पहले हत्या हुई थी? 6 साल। क्या चाहती हैं आप खोल के? क्या होना चाहिए मामले? भाई न्याय होना चाहिए, क्यों मारा उनको, क्या कसूर था भाई? मतलब आपके पति की जब हत्या हुई थी वो कहाँ से जा रहे थे? उनके साथ कोई लूट उट भी हुई थी क्या? जी लूट हुई थी। कहाँ से आ रहे थे? वो नौगांव से आ रहे थे। उस समय क्या आपके ऊपर दबाव आया या कुछ भी? नहीं, मेरे ऊपर कुछ दबाव। क्यों बंद कर दी गई थी पुलिस ने फाइल? अब ये तो उन्हीं को मालूम। तो आप पुलिस की उस समय की कार्रवाई से संतुष्ट थी क्या? नहीं थे, मगर क्या करें। क्या चाहती हैं? न्याय चाहते हैं, क्यों मारा उनको, किस कारण से, उनको भी सजा मिले, ऐसी गोली उनको भी लगे। मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं व्यापार मंडल प्रदेश प्रभारी हूँ। आज डीआईजी साहब के संबंध में ज्ञापन सौंपा जी। डीआईजी साहब को आज 5 साल में 2 हत्याएं, अंधी हत्याएं की गई थी, उस संबंध में अभी तक पुलिस ने की कोई भी सुराग नहीं लगाया है और इतने दिन हो गए हैं। तो इस वजह से हम लोग ने क्षत्रिय महासभा के लोगों ने मिलकर भी ज्ञापन सौंपा था अभी 2 दिन पहले, और आज भी हम 3 लोग मिलकर ज्ञापन सौंपने आए हैं और चाहते हैं कि अंधी हत्याओं को खुलासा हो, आरोपियों को जेल हो। अगर इस मामले में खुलासा नहीं होता तो क्या करेंगे आप? अगर इन मामले में खुलासा नहीं होता तो मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से और व्यापार मंडल प्रदेश प्रभारी होने के पद से दोनों तरह से मिलकर मैं उग्र आंदोलन करने में बाध्य होंगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। क्या नाम है आपका? चेतन कुमार सोनी, अयोध्या वासी, स्वर्णकार समाज अध्यक्ष। जी, आज डीआईजी साहब को किस संबंध में ज्ञापन दिया? डीआईजी साहब को विगत पुराने समय में 2 हत्याएं हुई थी, धन्नू दादाजी की और एक सुनील सोनी की। ये दोनों हत्याएं उस समय की हाई प्रोफाइल हत्याएं थी और जिसको खोलने के बाबत डीआईजी सर पर भरोसा करके हम लोगों ने पुनः इनकी फाइल खोलने के लिए आवेदन दिया है।